थोड़ा जगन्नाथ जी कथा सुन लेंगे, थोड़ा कथा कथा सुन लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। ओम मैं ज्ञान प्रमुदाम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसीदत्तय प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, आज है एक विशेष तिथि है, आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को अंदर से बाहर लाते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर आनंद बाजार जहाँ प्रसाद बिकता है वहाँ पर एक सिंहासन, जगन्नाथपुरी गए हैं, हाँ वहीं पर जगन्नाथ जी को ला करके जगन्नाथ जी को बड़ी सुंदर कलसी से सोने की कलसी में एक विशेष पानी जगन मंदिर से पानी लाते हैं कुआ से, और उसमें अगूर कर्पूर चंदन ये सब डाल करके जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। बोले जगन्नाथ जी को स्नान क्यों कराते हैं, कारण क्या है? कभी जगन्नाथ जी को इतने स्नान जगन्नाथ जी को कराएंगे, इतना पानी डालेंगे, रात तक जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। फिर जगन्नाथ जी को ले करके फिर 15 दिन तक जगन्नाथ जी बुखार में पड़े रहते हैं। बोले भगवान को कभी बुखार होता है? कभी जिनका नाम लेने पर जीव ये भवसागर से तर जाते हैं, कितना नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था मुगतो पिवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर सूची। मतलब जो भगवान का जो कोई नाम लेते हैं बाहर भीतर दोनों से वो पवित्र हो जाते हैं, फिर भगवान को स्नान कराना पड़ता है, फिर भगवान को बुखार है, भगवान को बुखार बोले ये साधारण बुखार नहीं, कहती ये प्रेम की बुखार है। क्योंकि जगन्नाथ जी रहते हैं द्वारका में, और उनको 16108 पटरानियां वहां पर, और एक से एक सुंदरी, और सब महिषियां सारी कलाओं में निपुण है, लेकिन वो सबके सब तो कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण वहां द्वारका में रहते हुए भी रहते हैं द्वारका में, लेकिन जो चिंता करते हैं ना वो ब्रजवासियों को कृष्ण चिंतन करते रहते हैं। हाँ, कभी कभी रुक्मणी सत्यभामा को पास में सोते हैं, लेकिन जो रोते हैं वृंदावनवासी के लिए, कभी कभी रात को रुक्मणी सत्यभामा का साड़ी पकड़ करके खींचते हुए कभी कभी कहते हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखे तुम कहाँ हो,
फिर मैया जसोदा का कभी नाम लेकर के, कभी श्यामली धवली का नाम लेकर के, कभी श्रीदाम वसुदाम का नाम लेकर के कृष्ण दिन रात रोते रहते हैं। बोले क्यों रोते रहते हैं? बोले ब्रजवासियों को याद करते हुए, उनके प्रेम को याद करते हुए जगन्नाथ जी कृष्ण रोते हैं। अभी कृष्ण का मन में बड़ी इच्छा होता है, दे एक बार मैं चाहूँ साल में और ब्रजवासियों से मिल करके आऊँ, सखाओं से मिल करके आऊँ, मैया से मिल करके आऊँ, ब्रजवा गोपियों से मिल करके आऊँ, हैं? क्योंकि जो ब्रज का जो प्रेम है वो एकदम समर्थ प्रेम है। गोपियों की प्रेम को बताया, तीन प्रकार प्रेम बताया, एक है सामंजस्य, एक है साधारणी और एक है समर्था। तीन प्रकार प्रेम बताए। कहते कुब्जा की जो प्रेम है वो साधारणी प्रेम है। साधारणी प्रेम मतलब रहता है ये उनके अंदर में, हैं, कुब्जा के अंदर में जब कृष्ण मथुरा में पहुंचे, हैं, मथुरा में पहुंचे, अभी कुब्जा ले जा रही थी कंस को श्रृंगार करने के लिए, बड़े सुंदर चंदन ले जा रही थी। कृष्ण बलराम ने बताए, थोड़ी सी हमारी सखाओं को और हमें थोड़ी सी श्रृंगार कर दोगे? उन्होंने कृष्ण बलराम का रूप देख करके बोले क्या सुंदर है, बोले आपको श्रृंगार नहीं करूंगी तो फिर किसको श्रृंगार करूंगी? इतने में सारी सखाओं को कृष्ण बलराम को बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार कर दी। श्रृंगार कर दी तो सखाओं ने कहा कृष्ण देख इतने सुंदर हमारी श्रृंगार उसने की है, देखो ये तीन जगह से ये टेढ़ी है, तीन जगह से ये कुब्जा टेढ़ी है। कृष्ण बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, मैं भी तीन जगह से टेढ़ा हूँ, ये भी टेढ़ी है, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, टेढ़ा और टेढ़ी, बोले थोड़ी सी सीधा कर दो। इतने में उन्होंने एक प्यार के ऊपर एक प्यार रखे, कमर में हाथ रखे, थोड़ी पर हाथ रखे और एक झटका मार दो, सीधा सीधा सटका, एकदम इतने सुंदरी हो गई, इतने सुंदरी हो गई, अपना चेहरा को देख करके ना अपने आप को उसने संभाल नहीं पाई, हैं? इतने में कृष्ण की दुपट्टा को पकड़ ली, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो, ये रूप को आप ही भोग कर सकते हो। कृष्ण ने कहा तेरे को शर्म नहीं लग रही? यहाँ पर दाऊ भैया जेठ है और उनको सामने सखाओं को सामने कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, इसलिए अभी नहीं, जब मैं कंस को उधार करके आऊँगा फिर तुम्हारी घर में आऊँगा। इसलिए कहते इनके अंदर में जो प्रेम है, कहती ये साधारण ही रहती है, जिनके अंदर में ये संसार की वासना कामना है। कहते जो महिषियों के अंदर में जो प्रेम है, कहती ये सामंजस्य प्रेम है, हैं? सामंजस्य मतलब इनका जो प्रेम है ना, कुछ तो कृष्ण का प्रति प्रेम है, लेकिन कुछ प्रेम है उनके बच्चों का प्रति भी प्रेम है, कुछ प्रेम है संसार का प्रति प्रेम उनकी है, इसलिए इनका जो प्रेम है ना वो बटा हुआ प्रेम है। कृष्ण का प्रति प्रेम है ही है, हैं? लेकिन वो प्रेम बटा हुआ प्रेम है, इसलिए लेकिन कहते गोपियों का जो प्रेम है, कहते ये समर्थारती है। समर्थारती मतलब है इनकी कृष्ण की सेवाएं, इनका दुनिया में कोई नहीं और, एक हो तो केवल कृष्ण ही है। इसलिए मनता मन मनस्का कृष्ण कह रहे हैं, बोले हे उद्धव इनका जो मन है ना मेरे को छोड़ करके और किसी को कभी याद ही नहीं करते हैं। मन मना भव, मन केवल मुझे ही दिया, मद भक्त केवल मेरा ही भक्त, केवल मेरा ही पूजा करते हैं, मेरे को ही नमस्कार करते हैं, संपूर्ण रूप में ये मेरे में ही संपूर्ण ये डूबी हुई है, इनको मेरे सिवाय जगत में कोई है ही नहीं। इसलिए इनका जो प्रेम एकदम वन पॉइंटेड है, इनकी प्रेम है, इनका प्रेम और कहीं नहीं, कृष्ण ही सब कुछ इनका जीवन में। इसलिए उनका जो प्रेम है समर्था मतलब है कृष्ण को आकर्षण करने में जो समर्थ है, जो समर्थ है कृष्ण। इसलिए कल हम सुन रहे थे केवल कृष्ण गोपियों के पास में ही उन्होंने स्वीकार किया, न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम, तुम लोगों ने जो मेरी प्रति जो प्रेम की है सारा दुनिया को मेरे लिए तुम लोगों ने ठोकर दिया है,
भाई बंधु पुत्र परिवार सबको तुम लोगों ने मेरे पास जैसे ठोकर दिया, इसलिए ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारा ऋणी कभी मैं उतार नहीं सकता हूं। इसलिए इनका ब्रजवासियों का प्रेम केवल एक पॉइंट प्रेम है कृष्णा, और कोई इनकी है नहीं। और जो जिसको जितना ज्यादा प्रेम करता है ना, आप वहीं पर जाना चाहते हो, है ना, ज्यादा जो प्रेम करे, जो ज्यादा वहीं पर जाना चाहते हैं, इसलिए इनका प्रेम एकदम निश्चल प्रेम है, शुद्ध प्रेम इनकी है। इसलिए कृष्ण जाना कहाँ चाहते हैं, ब्रज में जाना चाहते हैं, उनको साथ में मिलने चाहते हैं। लेकिन एक पति का अगर दो पत्नी हो ना, दो पत्नी हो, अगर पति एक पत्नी को बोले उसको साथ में थोड़े मिल करके आती आता हूँ, पत्नी क्या बोले, बोले वहीं जाकर रहना, यहाँ आने का जरूरत नहीं है। इसलिए फिर तो रोटी फेंक कर खिलाएगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, बोले वहीं चले जाओ। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं अगर मैं डायरेक्ट बोलूं लक्ष्मी को थोड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रजवासियों से मिलूं ना, फिर तो मेरे जीना हराम कर देगी ये, हैं, फिर खाना पीना ठीक से नहीं देगी। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के जब स्नान करवाए, जगन्नाथ जी उन्होंने बुखार की बहाना बना ली। वहां दो तरह का लीला होती है, हमारे चैतन्य चरितमृत में जो वर्णना आई है कि जगन्नाथ जी क्या करते हैं, 10-15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं, और केवल लक्ष्मी को केवल मनाते रहते हैं, 15 दिन उनको लग जाती हैं मनाने के लिए, मेरे को थोड़ी सी आदेश दे दो, थोड़ी सी मैं वृंदावन जाऊं, ब्रजवासियों से मिल करके आऊं, केवल उसको एकांत में केवल लक्ष्मी को ही पास में रहते हैं, उनको ही मनाते रहते हैं केवल उनको, हैं, उसको खुश के लिए 15 दिन तक वो रहते हैं। कहते ये एक लीला होती है। दूसरा लीला आती है कि जगन्नाथ जी बहाना बनाते हैं, मेरे को बुखार हो गया है, जैसे बुखार होने पर क्या करते हैं, अब रोटी नहीं खाओगे, हैं, फिर तो चावल नहीं खाओगे, अब कोई दूसरे चीज खाओगे, उसी तरह जगन्नाथ जी 15 दिन तक केवल फल मूल खाते हैं, और एक तरह का दवा जिसको पांचन कहते हैं, पांच तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनता है जिसको पांचन कहते हैं, क्या टेस्ट है, आप खाए बगैर ना आप कभी सोच भी नहीं सकते उसमें कितने टेस्ट है, पता नहीं क्या देकर बनाते हो चीज को, अद्भुत उसमें टेस्ट है। इसलिए वो पांचन जगन्नाथ जी को दवा देते हैं। जब 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी, हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा से एक दिन पहले, रथ यात्रा से एक दिन पहले उनको नेत्र उत्सव होता है, नेत्र उत्सव होता है, और उनको जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया था ना, स्नान में उनका सारे श्रृंगार इधर उधर हो गया था, फिर 15 दिन तक जैसे कोई व्यक्ति बुखार पड़ता है उसके बाद में क्या करता है, उठ करके स्नान करके अच्छे कपड़ा फपड़ा पहन करके ये करते हैं, उसी तरह जगन्नाथ जी को पूरा नया श्रृंगार किया जाता है, जगन्नाथ जी को श्रृंगार करके 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। 15 दिन तक जगन्नाथ जी को अन्न भोग नहीं लगता है, दाल सब्जी भोग नहीं लगता है। 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी उठ करके फिर अन्न ग्रहण करते हैं, अभी बुखार से उठे जगन्नाथ जी, नेत्र उत्सव उसको कहते हैं। नेत्र उत्सव क्या, नेत्र को आनंद, नेत्र को क्या आनंद देता है, केवल नेत्र का उत्सव है, जब भगवत दर्शन करे तभी ये नेत्र की आनंदता है, नहीं तो सुतो गोस्वामी कहते हैं बराहि ते नयने, हैं, कहते अगर इन्हीं आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं किया तो मोर पंख में भी सुंदर सुंदर आंख है, वो आंख में क्या होता है, कि जिन्हीं आंखों से हम कृष्ण दर्शन नहीं करते वो आंख नहीं वो पांख है, मतलब मोर पंख के बराबर है वो आंख है। जगन्नाथ जी के दर्शन, फिर जगन्नाथ जी लक्ष्मी से प्रार्थना करते, बोले देख लक्ष्मी तुमने देखा है ना, 15 दिन तक मैं बुखार में पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को मन अच्छा नहीं कर लग रहा है, इसलिए मैं 2-4 दिन के लिए मैं घूम आता हूँ। लक्ष्मी ने देखा सचमुच से 15 दिन तक बुखार में पड़े हुए थे, ठीक है जाओ घूम करके आ जाओ, बोले कब आओगे, बोले आज जाऊँगा कल, हैं, कल घूम फिर करके फिर परसों आ जाऊँगा। फिर लक्ष्मी उनका आदेश दे देती है, बोले ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। लेकिन जगन्नाथ जी लक्ष्मी को साथ में नहीं ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं,
अपना बड़े भाई बलदेव प्रभु को और सुभद्रा को ले जाते। बोले क्यों, लक्ष्मी को क्यों नहीं ले जाते वृंदावन? बोले लक्ष्मी का जो भावना है वो ऐश्वर्य भावना है, हैं? और बलदेव प्रभु सुभद्रा की जो भावना है कहते इनके अंदर माधुर्य भावना है। लक्ष्मी वो माधुर्य भावना को नहीं समझ सकती हैं, हैं? इसलिए लक्ष्मी को बलदेव प्रभु को ब्रज में नहीं ले जाते हैं, अपना भाई बहन को लेकर के साथ में जाते हैं। जा करके गए तो लेकिन पांच लक्ष्मी को कुछ खाना पीना दे कर जाते हैं और जिनका जो स्टोर है ना उसमें ताला बंद कर देते हैं जगन्नाथ जी, ताला बंद करके उसका चाबी काट ले जाते हैं, हैं? वो लक्ष्मी को नहीं देते हैं और कुछ दे करके दो तीन दिन में आ जाऊंगा इसलिए कुछ उन्होंने खाना देकर चले जाते हैं, इतना दिन में आ जाऊंगा। लेकिन जो पांच दिन हो जाता है ना जगन्नाथ जी वापस नहीं आते हैं, लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आता है। बोले बोले आज जा रहा हूँ, कल मिलकर के परसों आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक पांच दिन ही हो गया अभी तक भी नहीं आए। इसको इसलिए उसको कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा मतलब है देखने के लिए जाते हो क्या कर रहे हैं, है? बोले दो दिन बाद में आ जाएंगे, पांच पांच दिन ही हो गया अभी तक नहीं आए। लक्ष्मी अपना है सहेलियों को साथ में सद धज करके अपना रत्न सिंहासन में सोने के सिंहासन में बैठती है और एकदम सद धज करके एकदम जाती है। जा करके जगन्नाथ जी जो रथ होता है ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वहाँ तीन रथ बनती है। पहले तो जगन्नाथ जी की जो एक जो पहिया होता है ना पहिया को तोड़ देती है, बोले घुसा कुमारे हैं, बोले दो दिन ही बोलकर पांच पांच दिन ही हो गया अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए? घुसा कुमारे तोड़ देती है। महाप्रभु भक्तों को साथ में उसको देखते रहते हैं कैसे लीला हो रही है। देखो एक स्त्री जब मान करती है पति के ऊपर में कितने क्रोध उसके आती है, हैं? कितने क्रोध आती है। इसलिए फिर लक्ष्मी जा करके अंदर में अपना सिंहासन के ऊपर बैठ जाती है और वहाँ पर दो दल होता है। कहते हैं जगन्नाथ जी को अभी वृंदावन में जगन्नाथ जी अभी उनका जो दल है ये गोपियों का दल है और लक्ष्मी इनका दल लक्ष्मी के दल है। वो बैठ करके अपना पार्टी को आदेश देती हैं, बोले ये गोपियाँ बड़े दुष्ट हैं, मेरे पति को जोर जबरदस्ती वो दो दिन ही बोलकर पांच पांच दिन हो गया और अभी तक मेरे पति को उन्होंने वापस नहीं दिए, जाओ इनको बांध करके मेरे चरण में ले आओ। और ये लक्ष्मी की पार्टी जा करके जितने वहाँ के जो पार्टी है सबको पकड़ पकड़ करके ना बांधती है, बांध करके उसको लक्ष्मी के पास में ले जाती है और वो लोग लक्ष्मी के चरण में प्रणाम करते हुए कहती है बोले हम जल्दी से जल्दी आपको प्रभु को हम भेज देंगे, आप चिंता मत करो, जल्दी जल्दी हम वापस भेज देंगे जगन्नाथ जी को, चिंता मत करो। फिर लक्ष्मी प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जाती है। वहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाप्रभु के साथ में श्रीवास पंडित है, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये सबके सब भक्त लोग होते हैं। और श्रीवास पंडित कौन है? बोले नारद है। बोले नारद कौन है? बोले वैकुंठ के भक्त है, वैकुंठ परिकर है। लेकिन वहाँ स्वरूप दामोदर, बोले ये कौन है? बोले ये ललिता, राय रामानंद, ये विशाखा, ये कहाँ के परिकर? कहते ये ब्रज के परिकर। वहाँ पर श्रीवास पंडित अपना आवेश में आ जाते हैं, आवेश में आकर स्वरूप दामोदर को कह, बोले देखो देखो हमारे लक्ष्मी को क्या ऐश्वर्य देख रहे हो, सोने के सिंहासन में बैठी हुई है और कितने दास दासी सब सोने चांदी हीरे जवाहरात से वैकुंठ भरा पड़ा हुआ है और वो ब्रज का भक्त है ना, ब्रज का परिकर। बोले ब्रज में क्या है? कुछ है नहीं, वही पेड़ पौधा फूल है और कुछ है नहीं वहाँ पर हैं। और लक्ष्मी की देखो ऐश्वर्य को। इतने में स्वरूप दामोदर कहता है ज्यादा बोलो मत, चुप रहो हैं। बोले वृंदावन में इतने ऐश्वर्य, वहाँ पर इतने ऐश्वर्य वो माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है। ब्रज के जो एक लता हैं, एक लता नहीं, एक उसमें जो एक पत्ते हैं, एक पत्ते में इतने ऐश्वर्य है, तुम्हारी ऐसे कितने वैकुंठ को वो सृष्टि कर सकता है। लेकिन वहाँ ऐश्वर्य के द्वारा है ऐश्वर्य माधुर्य से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ कामधेनु तो है लेकिन कितने जो दूध ग्रहण करते हैं वहाँ ऐसे ऐसे गावी सब कामधेनु। कामधेनु मतलब क्या?
अब जो मांगोगे वही मिलेगा कामधेनु से, लेकिन वहां पर कामधेनु से कोई चीज नहीं मांगते हैं। हाँ कृष्ण सेवा के लिए थोड़ा दूध मांग लेते हैं, कृष्ण मक्खन खाएगा, और कोई चीज नहीं। वहां कल्प वृक्ष सब वृक्ष है वृक्ष, वहां के भूमि चिंतामणि, वहां के पानी नहीं वो अमृत है। वहां पर अगर कोई चलते हैं लगता है जैसे सुंदर कोई नृत्य कर रहे, अगर वहां पर कोई बोलता है वो लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई भजन गा रहा है। हाँ बड़े सुंदर कोई राग रागिणी से भजन गा रहे हैं, इसलिए ज्यादा बोलो मत, चुप रहो। हैं सर्व दामोदर नारद जी को चुप करवा देते हैं श्रीवास पंडित जी को। इसलिए वहां से जगन्नाथ जी जब वापस आते हैं ना, कहते तो 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन वो आते हैं 15 दिन बाद में आते हैं। जगन्नाथ जी जब बहन भाई को लेकर के रथ में आते हैं धूल उड़ाते हुए, इतने में लक्ष्मी ऊपर में जाकर के छत के ऊपर में किसी सखी ने जाकर के बोले, बोले तीनों भैया है ना एकदम धूल उड़ाते हुए तीनों भैया आ रहे, भाई बहन और आ रहे हैं। इतने में लक्ष्मी जाकर के ऊपर चली जाती है एक छत के ऊपर में, जाकर के देखती है क्या सचमुच से आ रहे हैं जगन्नाथ जी। हाँ देखा, हाँ पहले बलदेव प्रभु, उसके बाद में सुभद्रा, और उसके बाद में फिर जगन्नाथ जी आते हैं। सबसे पहले बलदेव प्रभु आते हैं, जब आए बलदेव प्रभु लक्ष्मी फिर नीचे उतर कर आ जाती है, आकर के बोले उनको घुसने नहीं दूंगी, दरवाजा बंद कर दो, वहाँ दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ और वहाँ पर लक्ष्मी बैठ बैठती हैं। पहले बलदेव प्रभु आते हैं, बोले कौन आए हैं, बोले तुम्हारी जेठ, जेठ समझती हो पति के जो बड़े भाई, और पति के बड़े भाई प्रति छोटे भाई की जो पत्नी उसका आदर बुद्धि रहता है, ये हमारी जेठ है, इसलिए बोले तुम्हारी जेठ आ रहे हैं दाऊ भैया, बोले दरवाजा खोल दो, इनके लिए कोई लड़ाई नहीं। फिर उसको बाद में सुभद्रा आती हैं, बोले और कौन आ रही हैं, बोले तुम्हारी ननद आ रही हैं, ननद बड़ी तेज होती है, हैं ननद बहुत तेज होती है, बोले ननद आ रही है, बोले हाँ, बोले उनसे कोई झगड़ा नहीं दरवाजा खोल दो। बोले और कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी पति श्री जगन्नाथ जी आ रहे, बोले दरवाजा बंद करो, बोले इनको घुसने मत दिया करो। फिर लक्ष्मी कहती है कितना दिन हो गया, कितना दिन के लिए गए थे, बोल रहे थे ना मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों होकर 2 दिन होकर कितना दिन हो गया, 15 दिन के बाद में आ रहे हो, यहाँ आने का जरूरत नहीं, आप जहां से आए ना वहीं चले जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं, वहीं पर रहो। लेकिन जगन्नाथ जी वो तो बड़े टेढ़े हैं, जगन्नाथ जी वो तो कृष्ण है ना, और जो राधा रानी का जो मान है कहते दुर्जय मान, दुर्जय मान मतलब होता है राधा रानी जब मान करती है इतने आसानी नहीं राधा रानी को मनाना है, बड़ा कठिन है राधा रानी को मनाना, बहुत कठिन। इसलिए लेकिन इनका जो मान है ना, इनका साधारण मान है, जो गोपियों को राधा रानी को मना सकती हैं, और इनको मनाना भगवान के लिए जगन्नाथ जी के लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। इनको पता है अगर स्त्रियों को खुश करना चाहते हो 3 चीज से इनको खुश कर सकते हो। बोले क्या, बोले पहला नंबर है वो जैसे चाहती है ना उनके लिए से साड़ी खरीदी करके ले आओ, बढ़िया साड़ी इनके लिए, स्त्रियों को सबसे ज़्यादा पसंद उनका जो पसंद का साड़ी है, हैं कपड़ा है। और दूसरे चीज है, अभी तो कोई अलंकार पहनते नहीं इतना, पहले बहुत स्त्रियां अलंकार पहनती थी सोने की, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कमर में गले में हाथों में प्यार में सब, वो उनको अलंकार बहुत प्यारा है। और तीसरा चीज है वो जो लायक करते हैं ना उनका भोजन प्रसाद खाना, कहते 3 चीज दे तो खुश हो जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी को पता है लक्ष्मी को मनाना तो कैसे मनाना। लक्ष्मी प्रश्न करती है इतना लेट आपने क्यों किए, बोले तेरे लिए हमने तो लेट किया, बोले मेरे लिए किया, बोले देखो जब मैंने कोई विदेश गया है तेरे लिए कुछ लाए बगैर खाली हाथ से कैसे आ सकता हूँ, इसलिए तू जो लायक करती है ना जो साड़ी, ऐसे साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था, और तू जो लायक करती है ना जो अलंकार गहना, वो गहना मैंने ऑर्डर दिया था और वो देने में लेट कर दिया, और उसमें मेरा दोष क्या है, और जो साड़ी लाया है ना उसमें सोने की जरी की एम्ब्रॉयडरी का काम है, बहुत सुंदर काम, उसमें सुंदर जरी से,
और जो अलंकार, बहुत सुंदर अलंकार जो तू लायक करती है ना, वो अलंकार मैंने लाया। जब लखीम सुनती हैं, गए थे गए दूर लेकिन मेरे को याद रखा है, और मैं जो साड़ी पसंद करता वो साड़ी भी लाए और मेरे लिए अलंकार भी लाए। उनका जो मान थोड़ा ज़्यादा था ना, थोड़ा नीचे उतर गया है ना, थोड़ी से नीचे आ गए तो मेरी याद की। बोले और क्या लाया तेरे को पता है? बोले क्या? बोले तू जो लाइक करते ना, जो रसगुल्ला है उधर, बहुत अच्छा रसगुल्ला है। बोले स्पेशल रसगुल्ला तेरे लिए ऑर्डर दे करके लाया हूँ। फिर लक्ष्मी की जीभ में पानी आ जाता है, कहते हाँ मेरे लिए इतना रसगुल्ला लाए, मेरे लिए इतना सुंदर साड़ी अलंकार लेकर के आए। फिर तो बोले खोल दो दरवाजा, खोल दो। खोल देते हैं, फिर जगन्नाथ जी को उन्होंने आरती करती है, आरती करके फिर जगन्नाथ जी को साथ में लेकर के वो अंदर में जाते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में आज स्नान यात्रा है। जगन्नाथ जी को बाहर निकाल करके बड़े सुंदर जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा करेंगे। हाँ, बड़े दूर दूर से सब भक्त लोग आते हैं, कीर्तन करते हुए उनको दर्शन करते हैं। इसलिए बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और 5 मिनट सुन लेते हैं, ठीक है? टाइम है कितना? टाइम हो गया? अच्छा 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 कल सुनेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप लोग जाओ, बंद कर दो इसको।